फिल्म अभिनेत्री एवं मथुरा की भाजपा सांसद हेमा मालिनी विक्रम महोत्सव में कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए उज्जैन पहुंची। सुबह इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद 40 दिन के विक्रम महोत्सव के अंतर्गत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मैं उज्जैन आई हूं और महाकाल के इस भूमि पर आई हूं। यहां पर आज मेरा कार्यक्रम है शाम को, इसके लिए मैं आई हूँ। दुर्गा का प्रस्तुति कर रही हूँ और मुझे इस वक्त मैं यहाँ पर उज्जैन के जो इस्कॉन के मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर में आई हूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत पहले से एक पुराना एक संबंध रहा है, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे चीज़ें मैं प्राप्त किया है। मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति सब कुछ किया है और मुझे इनकी वजह से मुझे ब्रज का भी सेवा करने का अवसर मिला है एक सांसद के रूप में। तो मैं इसीलिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ हमारे इस्कॉन के सभी भाइयों को, जितने भी गुरु हैं यहाँ के, सबका मैं प्रणाम करती हूँ। मैडम, 400 पार का नारा। हाँ जी, 400 पार तो होगा ही होगा। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो है, उनका जो सपना है, जो चाहते हैं, वैसे ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा भव्य काम किया है पूरे देश में। देश के हर एक व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने इतना विकास किया है, जिसकी वजह से हमें 400 पार जरूर होने वाला है, जिसपे मैं भी एक भाग ले रही हूँ मथुरा के सांसद के रूप में। हेमा मालिनी ने विक्रम महोत्सव के अंतर्गत भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित प्रदर्शनी आर्ष भारत का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे फिर से मौका दिया है, मैं उनका आभार जताती हूँ। उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।